नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। पॉलिटी में हमने क्या देखा था दो दिन पहले कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है, उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आज की श्रृंखला हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने रोका था। तो हमने क्या देखा था कल, हमने ये देखा था कि संविधान की पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे बना, उसके बाद कैसे उसमें डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, कैसे उसमें सिलेक्शन हुआ कि भाई कौन कौन संविधान सभा का सदस्य होगा, रजवाड़े की क्या स्थिति, मुस्लिम लीग की क्या स्थिति, उसके बाद फाइनली अंतिम में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में संविधान सभा के गठन की बात चली थी। अब देखिए, हमने यहां तक पढ़ा था कि 9 दिसंबर को क्या हुआ था, इसकी पहली मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग में अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य को सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उसके बाद जब उसकी मीटिंग हुई पहली मीटिंग, तो स्थायी सदस्य के तौर पर किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। उसके बाद मीटिंग हुई, उसके बाद एच सी मुखर्जी और वी टी रामकृष्णाचारी, ये दो उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, उपाध्यक्ष थे ये, तो उपाध्यक्ष दो चुने गए। उसके बाद अगर हम बात करें कि 9 दिसंबर को तो डिसाइड हो गया भाई कौन अध्यक्ष है कौन उपाध्यक्ष है, चीज़ें चल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही थी। और उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या हुआ इसके, कि अगली मीटिंग हुई। अगली मीटिंग कब हुई, अगली मीटिंग हुई, देखिए 9 दिसंबर को एक मीटिंग हुई, अगली बैठक जो इसकी हुई उसमें चीज़ों को आगे डिसाइड करना था, तो उसका 13 दिसंबर को हुई। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर को अगली मीटिंग हुई। अब 13 दिसंबर को क्या हुआ, 13 दिसंबर को ये हुआ कि भाई ठीक है, संविधान के लिए डिसाइड हो गया कौन अध्यक्ष होगा कौन उपाध्यक्ष होगा, उन सब के साथ अब देखते हैं कि संविधान का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या उद्देश्य है पहले हम डिसाइड करेंगे, उसके अनुरूप फिर हम संविधान को बनाएंगे। तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, संविधान का उद्देश्य का प्रस्ताव, यानी उद्देश्य प्रस्ताव मतलब पढ़ के सुनाया। ठीक है, 13 दिसंबर को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ के सुनाया और लोगों के आगे रखा कि भारत का संविधान किसके लिए बनेगा, क्या होगा और इसका उद्देश्य क्या है और इसके तहत क्या क्या चीज़ें आएंगी। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके हमारी संविधान की प्रस्तावना बनती है। बाद में डिसाइड किया था, इसमें ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था किसी को प्रस्तावना बनाई जाएगी, लेकिन एक प्रकार से संविधान को जो संविधान के बारे में जो चीज़ें बता रहा था वो उद्देश्य प्रस्ताव ही था। आगे आते हैं, फिर होते जाते क्या हुआ कि उसके बाद इन्होंने मीटिंग हो गई, प्रस्ताव आ गया, उसके बाद अंतिम में क्या हुआ कि 22 जनवरी को देखिए अब 1947 लग गया, ये 1946 में मीटिंग हो रही थी, 1947 22 जनवरी को इन्होंने जो यहाँ के सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था इसको इन्होंने पारित किया, यानी कि उसको अपनाया, उस पर अपनी सहमति जताई कि भाई ठीक है अब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब संविधान निर्माण पे तेज़ी से काम होने लगा। लेकिन जब काम हो रहा था संविधान निर्माण का, उसमें एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि द्वितीय विश्व युद्ध लगभग ख़त्म हो चुका था, चीज़ें अपने यहाँ पे सेटल हो रही थी और ब्रिटेन की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। तो जब ब्रिटेन की हालत ख़राब हो गई थी और उसके बाद ब्रिटेन पे दबाव आ रहा था भाई भारत को छोड़ दो, इस बीच आनन फानन में उनको इंडिया में फ़ायदा भी नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट लाया। ठीक है, ये कैसा एक्ट था, ये एक्ट था इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947। अब देखिए, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 में क्या हुआ कि चीज़ें बदल के रख दी, क्योंकि चीज़ें अभी तक क्या थी, अभी जो संविधान बन रहा था संविधान में ये चीज़ें की गई थी कि देखिए संविधान भारत के लोग बनाएंगे, भारत की जनता बनाएगी, भारत के द्वारा जो चुने प्रतिनिधि होंगे, यहाँ तक कि सब अपने अपने मत जो अपनी सहमति होगी जनता की, जिनको चुन के भेजेगी वो बनाएंगे, लेकिन तीन मुद्दे जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रखेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका मतलब नहीं कि छोड़ के जा रही थी। कौन कौन से तीन मुद्दे थे, कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास सेना नहीं होगी। ठीक है, सेना का मुद्दा हो गया। द्विपक्षीय अगर आप कह सकते हैं व्यवहार, यानी कि आप कह सकते हैं विदेश इंटरनेशनल रिलेशंस आपके पास नहीं होंगे, और क्या नहीं होगा, संचार,
सेना संचार और विदेशी मामले, यानी कि आप अंदर देश के कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बाहर आप नहीं करेंगे और सेना आपके पास नहीं होगी, यानी कि मिलिट्री आपकी नहीं होगी और संचार कम्युनिकेशन आप किसी अदर देश से नहीं करेंगे, यानी कि शासन हमारा रहेगा, लोकल काम आप करते रहिए अपने हिसाब से। लेकिन जब ये एक्ट आया, यानी कि जब कुल मिला के माउंटबेटन योजना आई भारत में, तो ये आया कि इसने परिस्थितियों को बदल के रख दिया। कैसे बदल दिया? क्योंकि अभी जो संविधान था वो अंग्रेजों के तहत बन रहा था, हमारे पास तीन ये राइट नहीं थे। लेकिन जब ये एक्ट आया तो हुआ क्या, देखिए दो मेजर डिफरेंस की हम बात करें तो दो हो गए। पहला क्या था कि जो संविधान सभा थी हमारी, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा क्या हो गई, संप्रभु हो गई। अब यहां पे संप्रभु थोड़ा समझते हैं। संप्रभु उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई होता नहीं है, ठीक है। संप्रभु मतलब सवर्निटी एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर कोई होता नहीं। इसका इतिहास थोड़ा पुराना है, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे डिटेल से वहाँ पे पता लगेगा। लेकिन संप्रभु मतलब आप सबसे ऊपर हो, आपसे ऊपर कोई नहीं, ठीक है। ये लौकिक सत्ता की बात हो रही है, अलौकिक सत्ता की बात नहीं हो रही। यानी आप अपने क्षेत्र में ऐसा समझ लो कि जैसे राजा होता था, राजा से ऊपर राज्य में कोई भी नहीं होता था, तो उस प्रकार से आप इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन संविधान सभा की संप्रभु, क्योंकि अंग्रेज तो अब जा रहे थे, अब पूरा हिसाब किताब इन्हीं के पास था। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट नहीं है देश में, ऐसी परिस्थितियां उठती हैं कि कोई कानून बनाना पड़े और उसको लागू करना पड़े, यानी कि तत्काल में तो बना ही रहे थे लेकिन वर्तमान में तो एक सरकार की जरूरत चाहिए ना, जब तक संविधान बन के लागू नहीं होता, तो उसके लिए भी व्यवस्था करनी थी। तो उसके लिए क्या हुआ कि आम कानून को बनाना और लागू करना, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम आए, पहली तो ये लगा कि भाई ये संप्रभु हो गए, दूसरा ये हुआ कि जो परिस्थितियों को कौन संभालेगा इस समय। तो 1947 एक्ट के बाद ये हुआ कि चलो संविधान सभा को संप्रभु कहते हैं, यानी कि अब इनके ऊपर कोई भी नहीं, ये पूरा खुल के अपने हिसाब से काम करेंगे कैसे करना है। तो ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन आम कानून को बनाना और इसको लागू करने के लिए अब वहाँ से कहाँ से संसद की व्यवस्था की जाए, कहाँ से चुनाव कराए जाएँ, इन सब चीज़ों की जब समस्या आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि हालांकि जो एक्ट था ना ये अंग्रेजों ने पारित किया था और ये लागू था और इसमें यही सब व्यवस्था की गई थी, तो आम कानूनों को जैसे एक संविधान सभा के अब दो सदस्य बनाए गए, इसका निदान ढूंढा गया कि हमारे दो सदस्य होंगे। पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे जो है अध्यक्ष बनाए गए इसके संविधान सभा के ही, लेकिन काम दूसरा था। ये कौन थे? जी वी मावलंकर, ठीक है, जी वी मावलंकर को भी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जी वी मावलंकर का काम दूसरा था। जब राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करते थे तो संविधान सभा क्या करती थी? संविधान पे काम करती थी, संविधान को बनाने का काम करती थी, संविधान के उसके पॉइंट्स को देखती थी, लोगों से मत लेती थी कहाँ से क्या कैसे करना है। लेकिन जब इस चीज़ की सेम अध्यक्षता कौन करते थे? जी वी मावलंकर जी करते थे, तो उस समय इसका काम ये हो जाता था, आम कानून को बनाना और उनको लागू करना, यानी कि एक ही टाइम पे ये दोनों काम कर रही थी, ठीक है। अब इसके बाद जब संविधान इस तरह से चलता रहा, उसके बाद एक प्रॉब्लम और आई कि अब इसमें जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कह सकते हैं रियासतें, भाई उनको ये लगा कि हम क्यों इनके साथ जाएं, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हम तो अभी राजा हैं। और 93 जो प्रिंसली स्टेट थे उनका भी थोड़ा हटने लगा। उसके बाद मुस्लिम लीग थोड़ा आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 आया तो थोड़ी सहमति शुरू में उन्होंने जताई थी, ठीक है। उसके बाद हालांकि चीज़ें फिर बदली बाद में। तो उसके बाद जब संविधान में जो ये प्रभाव आया, उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब संविधान बनना चालू हो गया था। अब संविधान बनने के बाद क्या हुआ, 1947 में एक और काम हुआ। 22 संविधान सभा के, ऐसे समझ लीजिए कि संविधान सभा के कुछ और भी काम थे, कुछ और भी काम किए उन्होंने। एक तो कानून बनाना और लागू किए, और कुल अन्य काम देखते हैं हम क्या थे अन्य काम। तो अन्य काम में क्या था, 1947 22 जुलाई को, यहां पे ऐसा लिखते हैं 22 ठीक है, 22 जुलाई 1947 को उन्होंने क्या किया, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज या झंडा कह सकते हैं,
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, यानी कि इसको मान्यता दी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज यही तिरंगा होगा, इस प्रकार से होगा, इसकी लेंथ क्या होगी और इसके संबंध कुछ नियम बनाए, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये किसने किया? ये काम संविधान सभा ने किया। उसके बाद एक काम और उन्होंने किया, अगर हम बात करें मई में, ये 1949 में किया था, मई 1949 की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल, ठीक है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भी इन्होंने अनुमति दी या स्वीकार किया। इन्होंने पहला काम क्या किया कि झंडे को स्वीकृति दी 22 जुलाई 1947, देखिए डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मई 1949 में राष्ट्रमंडल को दिया। उसके बाद भी और काम हुए, ये काम हुआ 24 जनवरी 1950 में। और आपको बता दें कि ये जो 24 जनवरी को काम हुआ, ये 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, इसके बाद संविधान सभा की बैठक नहीं हुई, सीधे संविधान लागू हुआ। तो 24 जनवरी 1950 को इन्होंने क्या किया, इन्होंने राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया, मतलब मान्यता दी उसको अपनाया। उसके बाद और क्या किया, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको एज अ राष्ट्रपति के तौर पे अपॉइंटमेंट किया, मतलब कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष अभी तक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, अब वो हमारे देश के संविधान के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे, वो कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक और काम हुआ, जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर जब तक चुनाव हो नहीं गए, चुनाव कब नहीं हुए, चुनाव मई में हुए थे, मई 1952 में, अगले चुनाव तक, तो ये राष्ट्रपति तो थे ही, उसके बाद अगले चुनाव तक जो संविधान सभा थी उसको वहाँ की अंतरिम संसद के तौर पे काम करना था। ऐसा कर लीजिए कि अंतरिम संसद, अंतरिम संसद के तौर पे इन्होंने काम किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, क्या हुआ कि 22 जुलाई को झंडे को इन्होंने अपनाया, मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को, सदस्यता की पुष्टि की, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया, राष्ट्रीय गीत अपनाया, और हमारे जो पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के तौर पे सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान के लागू होने की, तो संविधान कब लागू हुआ, अब देखिए संविधान बन गया, सारी चीज़ें सेटल हो गई, अब बाकी था संविधान को लागू करना। लेकिन यहाँ बताएं कि संविधान जब लागू हुआ तो संविधान दो डेट पे लागू हुआ, एक तो डेट थी उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि जो हमारा ये 26 नवंबर था, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को क्या हुआ 1949। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था, ये तो 24 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी बस ये डिसाइड करना था कि अब अंतिम मीटिंग है, जो जो है करना है कर लीजिए, ठीक है, कौन राष्ट्रगीत क्या होगा, राष्ट्रगान क्या होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन इन्होंने क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया, अब ये हुआ कि इसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे कहाँ पे आके रुकी कि इन्होंने 1930 में एक अधिवेशन किया था पूर्ण स्वराज के लिए, वो हुआ था 26 जनवरी को, उन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की थी, हालांकि अधिवेशन दिसंबर में हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने बोला कि नहीं 26 जनवरी को हमने बात की थी तो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, तो हम पूरा संविधान जो है 26 जनवरी को ही 1950 को ही लागू करेंगे। तो इसलिए उन्होंने उस डेट का वेट किया। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि संविधान बन चुका था तो जिस दिन बना और कंप्लीट हुआ कुछ प्रोविज़न उसी दिन लागू हो गए। कौन कौन से प्रोविज़न लागू हुए, अगर हम बात करें अनुच्छेद की, कौन कौन से अनुच्छेद उसी दिन लागू हुए, तो अनुच्छेद अगर हम बोलें 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद आता है अनुच्छेद 60, उसके बाद आ जाते हैं हम 324 पे, ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 366, फिर 367 पे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे 379, 380, अगला आर्टिकल हमारा था 388,
फिर उसके बाद था 391, 392 और देन 393। ये टोटल 15 आर्टिकल थे, ठीक है। इसको तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ लागू कर दिया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल कितने आर्टिकल थे और कौन कौन से आर्टिकल को तुरंत लागू किया गया था, कब? 26 नवंबर 1949 के टाइम, ठीक है। ये आर्टिकल तुरंत लागू कर दिए गए। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो संविधान में कुल कितने सत्र बैठे थे, कुल जो है सत्र थे कुल 11 सत्र थे, ठीक है। और कुल टाइम समय कितना लगा था, तो संविधान को बनाने में लग गए थे 2 साल 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 11 महीने और कितने 18 दिन। ये सब चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो संविधान में कुल 11 सत्र लगे, ठीक है, और समय कितना लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। फाइनली हमारा संविधान, क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज दिवस 1930 में मनाया था, उसके उपलक्ष्य में हमारा संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में हम हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया संविधान को बनाने का, ठीक है, और संविधान को लागू होने का। हमारा पूरा संविधान एक प्रकार से बन चुका है और संविधान अब इम्प्लीमेंट होने के लिए भी तैयार है और वो हो भी गया है, ठीक है। तो ये पूरा संविधान का प्रोसेस हमने पढ़ लिया, संविधान कैसे बना, कैसी उसकी भूमिका रही, पूरी तरह से हिस्ट्री। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना को, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें। यहाँ पे संविधान सभा जब बन रही थी तो उसमें कुछ प्रमुख समितियाँ थी, ठीक है। ये समितियाँ हालांकि बहुत है, छोटी समितियाँ बड़ी समितियाँ करके आपको याद रखना, हाँ, समितियों को याद रखना काफ़ी थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन आपको हम बता दें कि हमने महत्वपूर्ण समितियाँ ली हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि संघ की जो समिति थी, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे या किसके माध्यम से अध्यक्षता की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संघ संविधान सभी, देखिए जहाँ संघ शब्द लग जाए वहाँ एक स्मार्ट गेस कीजिएगा, पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, जहाँ पे प्रांत लग जाए, ठीक है, वहाँ पे पटेल लिया जाएंगे, सरदार पटेल। अगर यहीं पे पूछ दिया है कि राज्यों के समन्वय करने की समिति कौन सी थी, तो वहाँ पे फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके आगे संविधान समितियों में बढ़ें तो हम देखेंगे कि संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति कौन चला रहा था, राजेंद्र प्रसाद। आपको इससे याद रख सकते हैं कि संविधान सभा जब चलती थी तो उसका संचालन कौन करते थे, राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। उस आधार पर याद रखेंगे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद प्रारूप समिति, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी यही है, भीमराव अंबेडकर। डायरेक्ट देखिए कमेटी की बात कर रहा हूँ, भी प्रारूपकार और अलग होंगे, ड्राफ्टमैन अलग होंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अगर झंडा समिति की बात की जाए तो जे बी कृपलानी जी थे। राज्य समिति जो मैंने बताया, संघ समिति के बाद राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय समिति की बात अगर हम करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना होगा। और परामर्श समिति की अगर हम बात करें तो परामर्श समिति में भी कौन था, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। ये हो गया टोटल। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसके अलावा संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे जो हमने देखे। ये थोड़ा संविधान सभा के महत्वपूर्ण काम नहीं थे, कुछ तथ्य थे जो हमको जानना जरूरी है परीक्षा के लिहाज से। तो ये कौन सा था, संविधान सभा, यहाँ पे संविधान होगा, संविधान सभा, ठीक है, अब ये पूरा कॉमन में है। तो संविधान सभा का चिन्ह क्या था, तो हाथी था, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है किसी भी एग्जाम के लिए। आप ये मत सोचिए किसके लिए पढ़ रहे हैं। संविधान सभा का चिन्ह क्या था, हाथी था। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, सर वी एन राव जी थे, ठीक है। और हम बात करें संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो HVR अयंगर थे। मुख्य प्रारूप कौन, देखिए प्रारूपकार ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी हैं, लेकिन मुख्य जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये चीज़ें याद रखना है, प्रारूपकार कौन है, SN मुखर्जी। सुलेखक यानी कैलीग्राफर, ये आप कह सकते हैं कि संविधान को किसने लिखा था अपनी भाषा में,
तो प्रेम बिहारी राय जादा जी ने इसको संविधान को अपनी भाषा में लिखा था, मतलब सॉरी अपने हाथों से लिखा था। और सजावट का काम, आप संविधान को देखेंगे, उसका मेन पेज देखेंगे, तो उसमें काफ़ी पेंटिंग बनाई गई है, आलेखन बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं महाभारत के और भी जो भी हैं, तो वो सब पेंटिंग का काम किसने किया था, ये नंदलाल बोस और इनके साथ इनकी हेल्प की थी वी आर सिन्हा ने। नंदलाल बोस के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इन्होंने ओरिएंटल आर्ट एक स्कूल खोला था, ठीक है। और हिंदी का संविधान अगर बात करें तो किसने लिखा था, मेन इन्होंने बसंत वैद्य जी ने, बसंत कृष्ण वैद्य है इनका पूरा नाम, इन्होंने हिंदी वाला संविधान जो हिंदी का वर्जन है वो इन्होंने लिखा था। अगर आपको हम थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पे जो है, तो कुछ चीज़ें, तो ये देखिए हम संविधान का आगे से यहाँ इसको क्रॉप करके लाए हैं। संविधान का जो हमारा मूल कवर है, आप मूल संविधान को देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। इसकी पेंटिंग की हम बात कर रहे थे, ये जो पेंटिंग हुई है इसके हर पेज पे पेंटिंग की गई है, ठीक है। तो ये किसने की है, नंदलाल बोस जी ने की थी, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये संविधान का मेन पेज है हमारा, हिंदी का वर्जन है, इंग्लिश का भी सेम यही है, बस केवल नाम अलग है। और ये वाला पेज आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन है, जवाहरलाल नेहरू जी के साइन है। इस प्रकार से सारे जितने भी लोग थे, संविधान बनने के बाद फाइनली उन्होंने इस तरह से साइन किया था। इसके और भी पेजेस हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट कानून मंत्रालय के पेज से इसको हमने डाउनलोड किया है, वहाँ से चीज़ें मिली हैं। तो आज के लिए हमारा संविधान का निर्माण कंप्लीट हो गया, पार्ट टू था ये। कल से हम प्रस्तावना को चालू करेंगे, उसके साथ कुछ हो सकेगा तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।